हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है स्टीम टरबाइन। फ्रेंड्स, स्टीम टरबाइन की हमें दो सब्जेक्टों में स्टडी करने को मिलती है। सबसे पहले जो हमें स्टडी करने को मिलती है वह सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। इसके बाद हम स्टडी करते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थर्मल इंजीनियरिंग की मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, वह आप देखना चाहते हैं तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने डायरेक्ट लिंक दिए सभी वीडियो की, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है उसको समझाऊंगा मैं, इसके बाद इसके डायग्राम समझाऊंगा दोनों। इससे सबसे पहले मैं इसके जो टॉपिक लिखा है स्टीम टर्बाइन उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा लिखा है फ्रेंड्स स्टीम टर्बाइन, तो सब दो वर्डों से मिलकर बना है स्टीम और टर्बाइन। तो टर्बाइन समझ लेते हैं क्या होता है। टर्बाइन फ्रेंड्स एक मैकेनिकल डिवाइस होती है। क्या होती है? मैकेनिकल डिवाइस जिसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसी होती है? जब टरबाइन मूव होता है तो उससे जो शाफ्ट लगी रहती है और जनरेटर लगा रहता है उसके थ्रू क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन यहाँ टरबाइन को मूव कराने का मतलब उसको घुमाने का जो मीडियम है या माध्यम है वह क्या होता है? स्टीम होता है। मतलब स्टीम के थ्रू टरबाइन को मूव कराया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टीम टरबाइन। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि स्टीम टरबाइन कैसे काम करता है और क्या इसमें प्रोसीजर होती है। तो फ्रेंड्स, स्टीम टरबाइन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि स्टीम की जो प्रेशर एनर्जी है कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी। वह किसमें कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और कब बोलेंगे यह है कि मैकेनिकल वर्क में लाओ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं एक बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर हम वाटर से क्या होता है? स्टीम जनरेट करते हैं या जिसे हम भाप बोलते हैं। वह जो स्टीम जनरेट होती है वह कैसी होती है? हाई प्रेशर स्टीम होती है। मतलब उसके पास कैसी होती है? प्रेशर एनर्जी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उस प्रेशर एनर्जी की स्टीम को सबसे पहले हम कहां से? एक नोजल के थ्रू क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं। नोजल का काम होता है फ्रेंड्स जो हमारी प्रेशर एनर्जी स्टीम की उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब वह उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब बाहर निकलता है तो जैसे ही नोजल से स्टीम बाहर निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही वो किस पे टकराती है? जो हमारा टरबाइन होते हैं उसके ब्लेड्स पे टकराती है। किस पे? ब्लेड्स पे टकराती है। ब्लेड्स पे टकरा के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? वह क्या करती है? ब्लेड्स को मैं क्या फोर्स लगाती है, मतलब वहां पर उसका क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम। उसका मोमेंट चेंज होता है और उसको मैं क्या करता है? जो हमारी रोटर है पूरा, जिसके ऊपर रोटर मतलब होता है फ्रेंड्स एक व्हील होती है सर्कुलर, उसके ऊपर ब्लेड लगे जाते हैं। ब्लेड और जो हमारी व्हील है उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? उसकी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम फ्रेंड्स रोटर। तो वह रोटर पूरा मूव होने लगता है। मतलब जो हमारी एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वह किसमें? रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हमारी जो रोटर है मूव होने लगता है, उसके साथ जो शाफ्ट जुड़ी हुई है वह भी मूव होने लगती है। उसके साथ फ्रेंड्स जो हमारे जनरेटर लगाया हुआ है क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस तरह पूरी प्रोसेस चलती है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कैसे यह प्रेशर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एक टरबाइन के थ्रू। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो डायग्राम बने, ये डायग्राम है कि जैसा कि एक्चुअल में होता है टरबाइन उस तरह का डायग्राम, इसको मैं बड़ा करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू इसके पार्ट्स को समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनका क्या काम है और इसकी वर्किंग समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ये पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, अभी मैं समझाऊंगा उससे और समझ में आएगा। यहाँ पर इसके पार्ट्स के सारे नाम लिखे हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसको भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट्स लिखा हुआ शाफ्ट। क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स? शाफ्ट। तो शाफ्ट को समझते शाफ्ट क्या होती है। शाफ्ट क्या होती है फ्रेंड्स? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। क्या? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो क्या है? मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। कैसे मूव करता है यह समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो शाफ्ट रहती है किस में लगी रहती है फ्रेंड्स? जो हमारा पूरा रोटर होता है उसमें अटैच रहती है। जब क्या होता है रोटर पूरा मूव करता है तो उसके साथ शाफ्ट यहां पर देख रहे हैं कैसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगी हुई है। यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या करती है? मूव करती है। यह कनेक्ट कहां रहती है? रोटर में कनेक्ट रहती है। दूसरी क्या? यह जनरेटर के साथ कनेक्ट रहती है। तो ये शाफ्ट का काम होता है किसके अंदर? टर्बाइन के अंदर। दूसरा फ्रेंड्स है रोटर। ये रोटर क्या होता है? रोटर एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है? जो हमारी व्हील होती है एक सर्कुलर व्हील होती है, इसमें उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? ब्लेड लगे रहते हैं। ब्लेड ब्लेड टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जी हमारा बोलते हैं मूविंग ब्लेड्स, दूसरे होते हैं स्टेशनरी ब्लेड। ये जो मूविंग ब्लेड्स हैं, ये मूविंग ब्लेड किसके ऊपर लगे रहते हैं फ्रेंड्स?
जो हमारा एक सर्कुलर व्हील होती है उसके ऊपर लगे रहते हैं। सर्कुलर व्हील और जो ब्लेड्स हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। रोटर यहां पर क्या होता है, सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन कैसे करता है ये मैं वर्किंग में बताऊंगा। ये है मूविंग ब्लेड्स। मूविंग ब्लेड्स क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर लगे ये ब्लेड्स होते हैं। ये ब्लेड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, ब्लेड्स किसके ऊपर, सर्कुलर व्हील के ऊपर लगे रहते हैं। यह इनका आकार कैसे होता है, कर्व टाइप में रहता है, मतलब कुछ एंगल पे झुके हुए रहते हैं, जिससे क्या जो हमारी स्टीम है वह अच्छी से इम्पैक्ट हो सके और वह उसमें क्या हो सकते वह आसानी से उसको मूव करा सके। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी जो सरफेस रहती है कैसी रहती है, चिकनी रहती है, क्योंकि जिससे फ्रिक्शन लॉसेस कम हो। यह अलॉय स्टील के बने रहते हैं, कौन से, जो हमारे ब्लेड्स रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टेशनरी ब्लेड रहती हैं जो कि केसिंग में फिक्स रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बीच में क्या है, ये दोनों सर्कुलेट होते हैं जो कि हमारे मूविंग ब्लेड्स हैं। अब एक केसिंग, केसिंग की बात करें फ्रेंड्स, एक केसिंग क्या होती है फ्रेंड्स, केसिंग क्या होती है, जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ केसिंग, जो हमारा अरेंजमेंट है पूरा रोटर का, वह किसके अंदर होता है, केसिंग के अंदर होता है। केसिंग इस तरह सील की जाती है जिससे उसमें स्टीम का कोई भी लॉसेस ना हो। नेक्स्ट है बेयरिंग। बेयरिंग क्या होती है, स्मूथ किस चीज को रन कराने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पर लगी हुई है, ये किसके लिए, शाफ्ट के लिए लगी हुई है या पूरा अरेंजमेंट के लिए, मूविंग के लिए लगी हुई है। अब नोजल की बात करते हैं फ्रेंड्स। नोजल दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको, नोजल क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं नोजल का यूज करते हैं हम किसी किसी भी में, हम जैसे जिसकी भी हमें वेलोसिटी इंक्रीज करना हो, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टीम की वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। तो स्टीम को हम कहां से गुजारते हैं, नोजल के थ्रू गुजारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अभी 3D डायग्राम समझाएंगे तो फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। एक कंट्रोल वाल्व होता है, यहाँ पर दिख रहा है वाल्व लिखा हुआ, कंट्रोल वाल्व मतलब होता है स्टीम का जो प्रवेश होता है यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं कि हमें कितनी स्टीम इसमें प्रवेश कराना है, किस तरह प्रवेश कराना। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके इसकी स्पीड के साथ, इसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या एक गवर्नर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, गवर्नर। गवर्नर का काम जैसे हम जानते हैं कि इसकी किसी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम गवर्नर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू जैसा लोड बढ़ता है वैसे ये क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई बढ़ाता है, मतलब यहाँ स्टीम की सप्लाई बढ़ा देगा, और जैसे ही लोड की जरूरत कम होती है वहां से यह क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इससे हमारी क्या होती है, स्टीम की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, जो ये गवर्नर का पूरा काम होता है। अब यहाँ स्टीम इनलेट और आउटलेट होता है, मतलब यहाँ से स्टीम इन होती है जबकि यहाँ से क्या होती है, आउट होती है। अब इसकी वर्किंग समझाने से पहले इसकी 3D डायग्राम से हम इसके थोड़े पार्ट्स को एक बार और समझते हैं जिससे कि अच्छे समझ में आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते थे कि ब्लेड किस तरह के होते हैं, किस तरह का ये पूरा रनर होता है, किस तरह का नोजल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले क्या होती है, नोजल यहाँ पर लगा रहता है जो कहाँ डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं, ब्लेड पे करता है। ठीक है, ब्लेड ब्लेड जैसे मैंने बताया यहाँ पर इसका एक एरिया कैसा रहता है, बड़ा रहता है नोजल का, दूसरा एरिया छोटा रहता है। जहां से स्टीम एग्जिस्ट करती है, जहां से निकलती है, उसका एरिया कम होता है। एरिया कम इसलिए कम किया जाता है इससे इसकी वेलोसिटी बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते ब्लेड्स। ब्लेड्स का आकार कैसा होता है, कर्व टाइप में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी एंगल पे टिल्ट रहते हैं ये, जब यहाँ पर इसके पूरे ब्लेड पे जितने देर तक क्या होती है स्टीम रहती है, उसकी स्टीम का प्रेशर कैसा रहता है, एक समान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा रहता है, एक समान रहता है। और नोजल के अंदर जो हमारी स्टीम एक्सपेंड होती है वह कैसी होती है, एडियाबेटिकली होती है। एडियाबेटिकली का मतलब होता है कि इसमें स्टीम न तो अंदर आती ना बाहर, न तो स्टीम की हीट को रिजेक्ट कर पाती, न स्टीम हीट को कहीं से रिसीव कर पाती, मतलब स्टीम के कोई लॉसेस नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह होते ये ब्लेड्स, जैसा मैंने बताया कर्व आकार के होते हैं, और ये क्या होते हैं, जो पूरा रनर होता है इसे सर्कुलर व्हील बोलते हैं। ये क्या इसके दोनों को ब्लेड्स को इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा रनर, ठीक है, और केसिंग एक किसकी बनी जाती है, अलॉय स्टील की बनी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसा मैं बताया था इसकी जो सर्फेस रहती है वह कितनी चिकनी रहती है जिससे इस पर कोई फ्रिक्शन लॉसेस ना हो, मतलब स्टीम का कोई लॉसेस ना हो, आराम से इस पर स्टीम मूव हो और बाहर हो जाए, कहां से, यहां से सीधी बाहर हो जाती है। जिस तरह यहां पर होगी, यहां से क्या होगी, आउट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होता है, इसे इस पर फोर्स मारेगा, दूसरा ब्लेड आएगा, फिर दूसरे फोर्स मारेगा, तीसरा तीसरे पर, इस तरह एक कंटिन्यू मूव होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बीच में क्या रहती है, एक सर्कुलर शाफ्ट लगी जाती है जिसकी पोजिशन कैसी रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है, तो ये शाफ्ट रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो ब्लेड्स की बात की थी मैंने, ये ब्लेड्स देख रहा है, ये ब्लेड्स होते हैं फ्रेंड्स, और नोजल की बात की थी, ये नोजल होते हैं फ्रेंड्स। इनलेट आउटलेट जो मैंने उस डायग्राम में बताए थे वो मैं अभी फिर से बताऊंगा जब मैं वर्किंग समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर इसकी क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कहां से, यहां से स्टीम क्या होती, इन होती। स्टीम कहां से इन हुई, यहां से क्या होती, यहां पर क्या लगा रहता है, नोजल। नोजल में प्रवेश करती हुआ, नोजल का प्रवेश कहां से,
ये जो ब्लेड दिख रहा है फिक्स ब्लेड, इनपे ये मूविंग ब्लेड बोलते हैं, इनपे क्या होती है स्ट्राइक आती है, ये ब्लेड क्या होती है मूव होते हैं। ये ब्लेड के साथ क्या होता है जो पूरा सिस्टम होता है रनर और रोटर, वह भी क्या होता है मूव हो जाता है। उसके साथ क्या जुड़ी हुई फ्रेंड्स, ये शाफ्ट जुड़ी है, वह शाफ्ट भी क्या होती है मूव होती है। शाफ्ट मूव होती तो उसके साथ क्या होता है यहाँ पर जनरेटर लगा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब यहाँ केसिंग क्या होती है, केसिंग पूरे अरेंजमेंट रहता है जो जो हमारा रोटर रनर ब्लेड्स का हुआ है केसिंग के अंदर रहता है, केसिंग की पूरी सील पैक रहता है जिसमें कोई भी स्टीम का लॉसेस ना हो। यहाँ पर बैरिंग लगी जाती है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर गवर्नर लगा रहता है जो कि जो इसकी लोड को कंट्रोल करता है, जैसे मैं बता चुका हूँ स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है कि इसकी जो स्टीम की सप्लाई को कम करके और ज्यादा करके, ठीक है। यहाँ से स्टीम एग्जिट होती है फ्रेंड्स। तो अब हम इसके क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ में आया हुआ आपको किस तरह काम करता गवर्नर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बताते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो अगर फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन लिखने को आते हैं एग्जाम में, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि सबसे पहले स्टीम की वर्किंग के आधार पर, तो स्टीम की वर्किंग के आधार पर क्या होता है इंपल्स टर्बाइन होता है और रिएक्शन टर्बाइन होता है। इस तरह अगर स्टीम के फ्लो के आधार पर देखें, किसके फ्लो के आधार पर, तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है और रेडियल फ्लो टर्बाइन होता है। अगर कंडेंसिंग के आधार पर देखें तो कंडेंसिंग टर्बाइन होता है, नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन होता है। और प्रेशर के आधार पर देखें फ्रेंड्स, किसके स्टीम के प्रेशर के आधार, तो हाई प्रेशर टर्बाइन होता है, मीडियम प्रेशर टर्बाइन होता है, लो प्रेशर टर्बाइन होता है। इसके बाद इसकी स्टेज के आधार पर देखें तो सिंगल स्टेज टर्बाइन भी होता है, मल्टी स्टेज टर्बाइन भी होता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। अब हम इसका एक डायग्राम और बताते हैं। ये डायग्राम है फ्रेंड्स सिर्फ दिखाने के पर्पज से था कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि जो केसिंग इस तरह की होती है, कुछ फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर रोटर इस तरह का होता है फ्रेंड्स, केसिंग सील रहती है यहाँ पर जिससे कि स्टीम का लीकेज वगैरह ना हो, और गवर्निंग सिस्टम होता है जिससे कि पूरी इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, और जी को वॉल रिंग्स रहती हैं यहाँ पर, और ये दिख रहा है स्टीम चेस्ट रहती है जहां से स्टीम पूरा यहाँ से अरेंजमेंट रहता है स्टीम का इन कराने का और आउट कराने का, बियरिंग रहती है फ्रेंड्स। तो इस तरह का ये पूरा अरेंजमेंट होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, थैंक यू फ्रेंड्स।